नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान सीरीज स्टार्ट हुई है उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि पांच हमारे ऑलरेडी पार्ट आ चुके हैं और ये कौन सा नंबर का है, छठवा। तो हमारी जो है मेमोरी चल रही थी, तो मेमोरी में हमने जान लिए थे प्राइमरी मेमोरी। तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी हमने कंप्लीट डिटेल जाने थे पिछले लेक्चर में, अब आज हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत जो मुख्य मुख्य मेमोरी है वो हम जानेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का वर्किंग एरिया निर्धारित, मतलब एक प्रकार से जो कंप्यूटर वर्क करता है उसको मेंटेन करके रखती है, और परंतु हमको भविष्य में कुछ डेटा यूज करना है, उसको सेव करना है, तो हमको सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत होती है। तो हम उसी की देख रहे हैं आज, देखिए उसी के बारे में जान रहे हैं यहाँ पे। इसको सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, इसके अलावा मेमोरी कार्ड हो सकते हैं, पेन ड्राइव हो सकती है, सीडी जो हार्ड डिस्क है वो हो सकती है, इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये सारी चीज होती है। तो इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ हमने देखे थे कौन कौन सी होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुख्य रूप से हार्ड ड्राइव, यानी कि हार्ड डिस्क, और सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोनों के बारे में हम जानेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए देख लेते हैं, हम सबसे पहले जानते हैं हार्ड ड्राइव के बारे में। तो ये हम देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्ड डिस्क किस प्रकार की होती है। इस प्रकार से आपको पैक तो दिखेगी, परंतु उसके अंदर बहुत सारी डिस्क होती है। जो डिस्क होती है वो ये देखिए एक प्रकार से है, आपस में बहुत सारी यहाँ पे फिट होती है और वो घूमती है, ठीक है। अब ऊपर वाली डिस्क और सबसे नीचे वाली डिस्क, मतलब सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली में डाटा स्टोर नहीं होता, बाकी इन दोनों को छोड़कर बीच में जो है डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ हम देखिए इनको बोलते हैं प्लेटस, यहाँ स्पाइंडल होता है, ठीक है, और यहाँ रीड राइट हेड होता है जो डेटा को रीड करता है, और एक्चुएटर जो है, एक्चुएटर जो एक प्रकार से हम देखें आर्म जो एक प्रकार से यहाँ रीड राइट हेड में ही होता है। और यहाँ देखिए ये देख सकते हैं हम, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और एक होती है एसएसडी, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। तो ये एक प्रकार से हार्ड डिस्क जैसे ही डेटा स्टोर होता है, परंतु यहाँ पे डिस्क नहीं होती, यहाँ डिस्क घूमती है, यहाँ पे डिस्क नहीं होती है, सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है, इसलिए डेटा इसमें बहुत फास्ट काम करता है। तो यहाँ हम दोनों के बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। तो हार्ड डिस्क, देखिए हार्ड डिस्क को हम शॉर्ट में एचडीडी भी बोलते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव हम इसे बोल सकते हैं, और ये एक प्रकार से फिजिकल डिस्क है। फिजिकल डिस्क यानी कि इसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अपने कंप्यूटर में सभी जो छोटी बड़ी जितनी भी फाइल होती है वो सभी हम कहाँ रखते हैं, इसी में स्टोर करते हैं। और रैम और हार्ड डिस्क में दोनों में फर्क क्या है, रैम जो करेंटली वर्क कर रहा है कंप्यूटर उसको स्टोर करके रखती है, परंतु उसमें डेटा अस्थायी होता है, और जो परमानेंट स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क होती है, और इसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है जब तक कि यूजर डिलीट ना करे। तो यहाँ पे हम दोनों में थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए हम दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। यहाँ जो हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है वो देख सकते, देखिए सबसे पहले हमको प्लेटर्स दिखेगी। प्लेटर्स यानी कि जो गोल गोल जो डिस्क होती है उसको हम प्लेटर्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर में भी समझ सकते हैं, एक से अधिक प्लेटर्स हमको कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमको देखने को मिलेगी, इसको रॉड को बोलते हैं स्पाइंडल। और यहाँ हम देख सकते हैं जो पूरा कंप्लीट है उसको बोलते हैं ट्रैक, और इसको जो छोटा सा भाग है इसको बोलते हैं सेक्टर। तो इन्हीं में जो है ट्रैक और सेक्टर में ही डाटा स्टोर होता है। सिलेंडर होता है पूरा कंप्लीट, ये देखिए यहाँ पे जो डिस्क स्टोर होती है यहाँ पे सिलेंडर होता है, इनको प्लेटर्स बोल सकते हैं। सिलेंडर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे रोटेट होती है, और ये जिसमें फंसी होती है कंप्लीट, ये आर्म असेंबली होती है, मतलब जिसमें स्टोर होती है, और हर एक डिस्क को रीड करने के लिए रीड राइट हेड होता है। तो हमने देख लिया, देखिए यहाँ भी हमको देखने को मिलेगा, और ये देखिए कनेक्टर, इस प्रकार से हम देख सकते हैं हार्ड डिस्क को। चलिए इसके बारे में विस्तार से और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंतर्गत डिस्क एक घूमती हुई रहती है, और तेज घूमती है उतनी ज्यादा ये डेटा को स्टोर करती है, मतलब जितनी अधिक तेज घूमेगी उतनी ही डेटा को स्टोर करेगी और रीड कर सकती है। हार्ड डिस्क के घूमने की स्पीड को हम कैसे मापते हैं, आरपीएम। आरपीएम मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। अब जिस हार्ड डिस्क की आरपीएम अधिक होगी वो ज्यादा अच्छी होगी, सिंपल सी बात है। तो देखिए ज्यादातर जो हार्ड डिस्क होती है 5400 होती है, यानी कि एक प्रकार से हम 5400 आरपीएम बोल सकते हैं, और कुछ की हो सकती है 7200 आरपीएम। तो सिंपल सी बात है, जिसकी अधिक होगी यानी 7200 वाली 5400 वाली से काफी अधिक अच्छी होगी या तेज होगी, ये हम बोल सकते हैं आरपीएम, रेवोल्यूशंस पर मिनट। आप कार्यविधि कैसी होती है, देखिए
चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है, हमको पता चल गया। डिस्क होती है प्लेटर्स जिन्हें हम बोलते हैं, और डाटा को पढ़ने एवं लिखने के लिए एक रीड राइट हेड होता है, वो भी हमने देख लिए। सेंट्रल शाफ्ट होता है जिसमें ये फंसी होती है, और चुंबकीय डिस्क लगी होती है। ऊपरी वाली मतलब जो पूरी डिस्क होती है उसमें सबसे ऊपरी वाली और सबसे निचली वाली, इन दोनों को छोड़कर सब में डाटा स्टोर होता है, बाकी दो में स्टोर नहीं होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, देखिए जो डिस्क में प्लेट होती है वो ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होती है जिसमें कि डाटा स्टोर होता है। जब भी हार्ड डिस्क को हम फॉर्मेट करते हैं तो वो फिर से ट्रैक और सेक्टर में उसको बांट देता है ताकि डेटा को अच्छे से जो है मतलब स्टोर किया जा सके। एक सेक्टर में 512 बाइट स्टोर होता है, यह भी हम देख सकते हैं। और डाटा को स्टोर एवं पढ़ने के लिए तीन तरह के समय लगते हैं, कौन कौन से होते हैं? सीक टाइम होता है, लेटेंसी टाइम होता है, और ट्रांसफर रेट होता है। तो सीक टाइम क्या होता है? डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने वाले जो ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है? सीक टाइम। मतलब रीड राइट करने के लिए जो ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको क्या बोलेंगे? सीक टाइम। लेटेंसी टाइम किसे बोलते हैं? ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है? लेटेंसी टाइम बोला जाता है। मतलब रीड राइट है, रीड राइट करने के लिए ट्रैक तक पहुंचने में किस क्या समय लगेगा? सीक टाइम। और ट्रैक से डाटा सेक्टर तक पहुंचेगा उसमें लगेगा लेटेंसी टाइम। फिर ट्रांसफर रेट की बात करें तो सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं ट्रांसफर रेट। तो ये तीन प्रकार के टाइम हो गए, और संरचना एवं कार्यविधि के अंतर्गत ये सारी चीज हमने देखे हैं। अब बात करते हैं किसकी? सॉलिड स्टेट ड्राइव की। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होती है? एक प्रकार से ये भी नॉन वॉलिसेबल स्टोरेज मीडिया होती है। मतलब एक प्रकार से जो हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता था उसी प्रकार इसमें भी स्टोर होगा, परंतु ये फ्लैश मेमोरी की तरह वर्क करती है एक प्रकार से। तो ये हम देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से होती है। अलग अलग इसके प्रकार है बहुत सारे, तो वो हम आगे देखेंगे। यह जो है हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की तरह ही डेटा स्टोर होती है, परंतु ये उससे कहीं अधिक तेज गति से काम कर सकती है। परंतु देखिए एक प्रकार से हम बोल सकते हैं जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का अपग्रेड वर्जन किसको बोलेंगे? एसएसडी को। एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव को। और ये बहुत अधिक मतलब एक प्रकार से नई टेक्नोलॉजी है, और हल्की होती है, छोटी होती है, और साथ में इसकी अपेक्षा यानी कि हार्ड डिस्क की अपेक्षा काफी अधिक महंगी होती है। तो हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार से यहाँ पे एसएसडी अवेलेबल होती है, मतलब उनकी जरूरत के हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहली होती है साटा एसएसडी। साटा एस एस डी यानी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यहाँ हम देख सकते हैं। तो ये एस एस डी होती है, इस प्रकार की एस एस डी हमको देखिए एक लैपटॉप की तरह दिख रही है, परंतु यहाँ हम देख सकते हैं सिंपल साटा कनेक्टर को सपोर्ट करती है, जैसे कि हार्ड ड्राइव करती है। मतलब हार्ड ड्राइव जैसे सपोर्ट करती है हार्ड डिस्क, उसी प्रकार ये भी सिंपल साटा कनेक्टर को सपोर्ट करती है। अब एस एस डी का जो सबसे सिंपल फॉर्म फैक्टर एक प्रकार से हमको देखने को मिलेगा, जिसे हम जो है देखकर ही पहचान सकते हैं। और सबसे पहले इसी प्रकार की हार्ड डिस्क जो एस एस डी है वो मार्केट में आई थी। अब यहाँ देखिए इस तरह की हार्ड जो एस एस डी है वो आजकल चलने वाले जो किसी भी पीसी है यानी कि पर्सनल कंप्यूटर है उसमें हमको प्रयोग में देखने को मिलेगी, यानी कि उसमें प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगी एम साटा एस एस डी यानी कि सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो एम साटा यानी कि हम बोल सकते हैं माइक्रो साटा एस एस डी, जो कि नॉर्मल हम बोल सकते हैं साटा एस एस डी से कनेक्टिविटी और फॉर्म फैक्टर दोनों से अलग होती है। यह नॉर्मल एस एस डी से साइज में काफी छोटी होती है, जैसे छोटी सी चिप आप देख सकते हैं पहले वाले में। देखिए ये जो है देखिए बड़ी दिख रही है हमको, परंतु यहाँ हमको छोटी छोटी चिप दिख रही है। इसके अलावा देखिए दिखने में काफी अलग होती है उससे, और एक तरह से सामान्य रैम की तरह दिख रही है। रैम भी इसी प्रकार होती है, पर रैम में इधर स्टिक होता है और इसमें इधर साइड स्टिक है, मतलब इधर साइड से अटैच होगी और रैम नीचे साइड ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में ही अटैच होती है। इसी इसकी जो कनेक्टिविटी है हर पीसी में नहीं की जा सकती, मतलब जहां इसका पोर्ट होगा, खास करके लैपटॉप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, पीसी में नहीं। पीसी में इसका पोर्ट होना जरूरी है, यानी कि पीसी एम साटा पोर्ट होना आवश्यक है, नहीं तो जो पीसी है पर्सनल कंप्यूटर उसमें यूज नहीं की जा सकती। खास करके लैपटॉप में हमको देखने को मिलेगा इस प्रकार का पोर्ट, और उसमें हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा M.2 जो एस एस डी है वो हमको देखने को मिलेगी, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो एक प्रकार की जो एस एस डी है वो एम साटा की तरह ही होती है, लेकिन जो उससे एम साटा से अपडेट वर्जन हम उसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये काफी फास्ट है एम साटा से। लेकिन छोटी होने के बावजूद भी है दोनों तरह की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है, यानी इसे नॉर्मल साटा केबल से भी कनेक्ट किया जा सकता है और एम साटा से भी कनेक्ट किया जा सकता है। एक PCIe एक्सप्रेस पोर्ट की तरह ही होता है, लेकिन यह थोड़ा छोटा और स्पेशली इस तरह की जो हार्ड एस एस डी होती है वो कनेक्ट करने में ही काम आती है। इसके अलावा एक होती है SSHD, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल मिला जुला रूप है। कैसे? एक हार्ड डिस्क होती है और एक एसएसडी होती है, तो दोनों को कंप्लीट आज की डेट में देखिए हर एक व्यक्ति को एसएसडी की जरूरत होती है।
तो क्यों ना उसके दोनों को कॉम्बो बनाकर ला दिया जाए। तो इसी प्रकार कंपनी ने यहाँ पे हार्ड डिस्क और एसएसडी का दोनों का कॉम्बो यहाँ बनाकर ला दिया गया, उसी को हम बोलते हैं SSD। तो यहाँ पे हम देखिए, इसको ना तो एसएसडी बोला जा सकता है ना हार्ड डिस्क बोला जा सकता है, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क दोनों को मिलाकर ये बनाई गई है। इसमें जो कुछ मेमोरी है एसएसडी की होती है और कुछ होती है हार्ड डिस्क की, यानी हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों के बीच की चीज होती है जो आजकल के लैपटॉप में काफी ज्यादा हमको यूज देखने को मिलेगी। अब जो हार्ड डिस्क होती है एसएसडी, वो किस प्रकार वर्क करती है वो हम देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो हार्ड डिस्क होती है वो मैग्नेटिक डिस्क पर काम करती है, यानी कि उसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है जो कि जो घूमती है और डेटा को ट्रांसफर और एक्सेस कर पाती है। परंतु एसएसडी में नॉर्मली हार्ड डिस्क के जैसे मैग्नेटिक डिस्क नहीं होती है। इसमें पूरा कंप्लीट काम किसके ऊपर डिपेंड होता है? सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। और इसमें कई सारी चिप्स होती है, चिप जो रहती है छोटी छोटी सिलिकॉन की जो चिप होती है, और उसके अनुसार यहाँ पे देखिए डाटा को स्टोर किया जाता है। रैम की तरह ही होती है। सेमीकंडक्टर मैग्नेट से ज्यादा अच्छे से आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसलिए ये काफी अधिक फास्ट होती है। तो हार्ड डिस्क और एसएसडी में आपको समझ में आया फर्क? देखिए, हार्ड डिस्क जो होती है उसमें कंप्लीट चार पार्ट कर दिए जाते हैं, चार पार्ट तीन पार्ट, जैसे सी बना दिए, डी बना दिए, ई बना दिए। तो उसी हार्ड डिस्क का पार्ट है सी, परंतु हमको देखने में लग रहा काल्पनिक रूप से हमने अलग कर दी है, परंतु डाटा वही, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही है और हमारा स्टोरेज वाला जो डेटा है सेकेंडरी वो भी वही है। तो ज्यादा डेटा होगा तो हमारा जो सिस्टम है वो स्लो चलेगा। तो उसी समस्या से बचने के लिए हमने क्या करे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एक अलग ड्राइव में रख दिए, एसएसडी जिसे हम बोलते हैं, और जो हमारा बेस जो स्टोरेज वाला डाटा है उसको हम अलग ड्राइव में मतलब हार्ड डिस्क में रख दिए। तो हमारी कंप्यूटर की जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस काफी अधिक फास्ट हो जाती है। दोनों में अंतर देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो अंतर आप आसानी से बता सकते हैं। जो एसएसडी है उसकी स्पीड हार्ड डिस्क की अपेक्षा काफी फास्ट होती है, जबकि हार्ड डिस्क जो है एसएसडी से बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। जो हार्ड डिस्क है उसके मुकाबले काफी कम पावर लेती है, मतलब बिजली कम खाती है जो एसएसडी है, और हार्ड डिस्क अधिक खाती है। एसएसडी एक नॉर्मल हार्ड डिस्क के मुकाबले साइज में काफी छोटी होती है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है चिप लगी होती है उसमें, और ये डिस्क नहीं होती है। डिस्क घूमने, देखो जो हार्ड डिस्क होती है उसमें अगर डिस्क घूमेगी तो नॉइस करेगी, आवाज करेगी, परंतु एसएसडी में आवाज भी नहीं करती है, फ्लैश स्टोरेज डिवाइस होती है, इसलिए यहाँ नॉइस नहीं आती है। एसएसडी हार्ड डिस्क के मुकाबले काफी अधिक महंगी आती है। अगर हम बात करें 240 GB की, 240 GB की जो एसएसडी है लगभग 4000 के आसपास आएगी। अब 4000 की बात करें तो 4000 में हार्ड डिस्क हमको 1 TB तक देखने को मिल सकती है। तो ये देख सकते हैं हम कितनी महंगी होती है। यहाँ देखिए टेबल के फॉर्म में आपको अंतर दिया है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए इसका प्रेजेंटेशन जो होता है, प्रेजेंटेशन के अनुसार हम देख सकते हैं एसएसडी की, तो इसका प्रेजेंटेशन जो होता है काफी अधिक अच्छा होता है। और ये कैसा होता है, इसका जो प्रेजेंटेशन है इसकी तुलना में काफी कम होता है। यहाँ मजबूत की बात करें तो ये देखिए ज्यादा मजबूत होती है और ये कम मजबूत होती है हार्ड डिस्क। इसके अलावा बिजली की खपत ये कम करती है और ये ज्यादा करती है। एक्सेस टाइम की बात करें तो 100 माइक्रोसेकंड से भी छोटा होता है, और ये 2.12 माइक्रोसेकंड तक होता है। लागत में ये महंगी होती है एसएसडी और ये सस्ती होती है। डेटा ट्रांसफर रेट की बात करें तो ये उच्च गति से डेटा ट्रांसफर काम करती है। इसके अलावा जो एसएसडी से कम गति वाली होती है हार्ड डिस्क होती है। प्रारंभ करने का समय मतलब स्टार्ट होने में ये कुछ मिलीसेकंड की जरूरत होती है, परंतु इसको जो है अधिक समय लगता है हार्ड डिस्क को। तो ये हमने दोनों के बारे में विस्तार से जान लिया है, मतलब अंतर भी देख लिया है यहाँ, इसके अलावा वर्किंग देख लिया एसएसडी के, उसके प्रकार देख लिए कौन कौन से प्रकार होते हैं, मतलब जो कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। इसके अलावा सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में बेसिक चीजें हमने देखे यहाँ पे, और हार्ड डिस्क की संरचना, हार्ड डिस्क के बारे में पूरी डिटेल, मतलब सेकेंडरी डिवाइस के बारे में हमने इसके बारे में जाने हैं। अब जो अगला लेक्चर आएगा वो बाकी बची जो चीजें हमारी, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे एक लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।